कोई बर्थडे हो या कोई भी फेस्टिवल, दिवाली, होली, उसमें सबसे जरूरी चीज होती है घी, दूध और क्रीम। उसके बिना सारी मिठाइयाँ अधूरी हैं। जब भी आप अपने घर में मिठाई बनाएं, हमेशा देसी घी यूज करें, और देसी घी के होते हैं 100 से भी ज्यादा फायदे। और बेसिकली जैसे कि हम हिंदूज में तो घी आपके जन्म से लेके और आपके मरने तक हम देसी घी यूज करते हैं, और देसी घी के 100 से भी ज्यादा फायदे हैं। हमारा जो दिमाग है वो 60% बना होता है फैट का, आपका जो मेल और फीमेल जो हार्मोन होता है वो बनाता होता है फैट का, क्योंकि बॉडी खुद से वो फैट प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो उस घी को हमें बाहर से, उस फैट को हमें बाहर से देना पड़ता है। तो गाइस देसी घी यूज करें, और देसी घी में भी आप यूज करें डेरी बेस्ट का घी, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके मैंने काफी अच्छे रिव्यूज सुने हैं और खुद भी देखा है और खुद यूज भी किया है। खुशबू बहुत ही अच्छी है और सारे के सारे जो इसके अंदर क्वालिटीज हैं वो सुपर्ब हैं। सो हम तो अपनी दिवाली मनाने वाले हैं डेरी बेस्ट के घी के साथ और क्वालिटी क्रीम एंड मिल्क के साथ। सो अभी चलिए हम लड्डू बनाते हैं, देसी घी के बेसन के लड्डू। सो दीदी क्या बना रही हो फिर आप आज डेरी बेस्ट के घी के साथ? मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू दिवाली के लिए। और क्या क्या बनाने वाले हो दिवाली के लिए? और मैं बनाने वाली हूँ मोहन थाल, मोहन मिल्क केक, सो मिल्क बनाने वाली हूँ, चावल के आटे की मटकी। अच्छा बेसन भून के अब हम इसमें इसे दानेदार लड्डू बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा डालेंगे दूध। और दूध कौन सा यूज किया है हमने? ये वाला क्वालिटी मिल्क। वाओ दीदी, अब हमने इसमें लिया है घी, ये डाल देंगे हम, देखिए कितना अच्छी खुशबू के साथ तैयार हो गया, ये हमारा दानेदार बेसन बनके तैयार हो जाएगा। वाओ, ये मेरी पर्सनल टिप है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, दानेदार बेसन के लड्डू घर पे बनाने के लिए। क्योंकि दिवाली के मौके पे देखो दोस्तों, हम बाहर से लेके आते हैं मिठाइयाँ और हमें पता है कि वो पता नहीं कैसे घी की होती है, कैसे दूध यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है, इसलिए हम घर पे बनाते हैं दिवाली की मिठाई। अंदर भून चुका है ये, अब हम गैस को बंद कर देंगे, और गैस को बंद करने के बाद हम इसे ठंडा होने तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें बूरा ऐड करेंगे, जो कि होती है शुगर पाउडर भी कह सकते हैं इसे, बूरा बूरा डालेंगे। करने वाला हूँ देसी घी के लड्डू, चलो देखता हूँ थोड़ी सी। वेरी टेस्टी है गाइस, लड्डू बनके तैयार हैं। इसमें हमने सारी रेसिपी आपको दिखाई दी है, घी हमने यूज किया डेरी बेस्ट का। सो गाइस आप भी दिवाली पे अपने घर पे ही लड्डू बनाएं और देसी घी के बनाएं, और बहुत सारी मिठाइयां जो भी बनाएं आप घर में बनाएं, बिकॉज कोरोना का टाइम भी है और भी बहुत सारी चीजें जो मार्केट में आपको ओरिजिनल चीजें नहीं मिलती हैं, तो अपने घर पे मिठाई बनाए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, दिस इज शैली चिकारा साइनिंग ऑफ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।